खान भी है। तौसिफ भाई मुझे ये बताइए कि क्या फिर अगर जो संगीत रागी कह रहे हैं कि क्या मसला जो गलत समझाया पढ़ाया जा रहा है उसका है, और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन भी ले लें तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है? नहीं देखिए, संगीत रागी जी से आप पूछिएगा कि क्या वो इस्लामिक स्कॉलर है, वो बताएंगे नहीं। हम हैं ना, तो जिसको जिस बात मेरी पुस्तक आ रही है पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देंगे दो, मेरी पुस्तक आ रही है पढ़ लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश नहीं हूं। अच्छा वही बोलने बोलिए, ये टीवी में अरे भाई जितना आपके क्वालिफिकेशन नहीं होंगे ना, लिस्ट लगा लोगे उतनी मेरे पब्लिकेशंस हैं संगीत दुनिया में, वो घूम फिर के चले जाएंगे इस्लाम और कुरान और मदरसा। ये जो देखिए ये जो है, इनसे आप कोई भी सवाल पूछिए वो घूम फिर के चले जाएंगे एक ही मुद्दे पे, इस्लाम कुरान मदरसा मुसलमान। नहीं भैया मैंने मान लिया, वो बस आप इनसे पूछिए आरबीआई ने दर क्यों घटा दिए इंटरेस्ट के, वो बोलेंगे बम नहीं फोड़ते हैं, आप उनसे उन्होंने बम नहीं फोड़ा है, जर्मनी में उन्होंने बम नहीं फोड़ा है, क्यों बढ़ा हुआ है, यूरोप में वो बम नहीं फोड़ते हैं, तालिबान वो नहीं है, अल्जीरिया में वो हत्या में शामिल नहीं है, सूडान में वो हत्या में शामिल नहीं है, सीरिया में वो बम नहीं फोड़ रहे हैं, सब माफ कर दिया भैया हमने सबका, सब जगह आरएसएस वाले हैं, सब जगह बम वही फोड़ रहे हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बोलिए, छात्र तौसीफ भले ही वो जितना इनकार कर ले, वो अपने भाषा से अपने बातों से वो साबित कर देते, रागी जी अपने बातों से साबित कर देते हैं कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बहुत अच्छा, एक बात बताइए तौसीफ भाई, के प्रोडक्ट है तौसीफ भाई, अपने बातों से ये बात को साबित कर देते भाई। आप उनसे पूछिए, आप पूछिए कि आरबीआई ने इंटरेस्ट का दर क्यों बढ़ा दीजिए, आप पूछिए, अभी वो चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम पे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, जितना 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 जितने पेज का तुम्हारा बायोडाटा होगा उतना मेरा पब्लिकेशन है, अपने जवाब में वो पहुंच जाएंगे। एक बार जरा सर्च कर लेना जितना पेज का तुम्हारा बायोडाटा होगा। अरे सर आप लोग क्यों पर्सनल जा रहे हैं तौसीफ, आप बताइए, अच्छा बहुत पब्लिकेशन है, बताइए बताइए आरबीआई ने, मैंने बोला ना तौसीफ खान, दुनिया के जितने बड़े-बड़े पब्लिशर्स आप बताइए, दरियागंज से नहीं और कलकत्ता के सर के गली से नहीं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बॉस, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है, क्या आप झगड़ने आए हैं या चर्चा करने आए हैं, मुझे पब्लिकेशन है, आप चर्चा करने आए हैं, आप ज्यादा ज्ञानी है कि ये ज्यादा ज्ञानी है? नहीं मैं आपको, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, मुझे एक बात बताइए तौसीफ अहमद खान, मुझे ये बताइए कहते हैं तौसीफ खान नहीं करना चाहिए, मेरा प्रश्न सुनेंगे जी जो कहते तौसीफ अहमद खान, मेरा प्रश्न सुनेंगे आप, मेरा प्रश्न ये है कि अगर इस देश में नेता नफरत फैलाते हैं, मीडिया नफरत फैलाती है, आम आदमी तो नफरत नहीं फैलाता, हिंदू मुसलमान तो एकदम फेविकॉल के जोड़ से जुटे हुए हैं, कुछ लोग नफरत फैला देते हैं, तो मुझे ये बताइए कि देश के कितने हिस्से कि देख लिया कंगना रनौत का फिल्म फ्लॉप हो गया, सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, नसीरुद्दीन शाह तो फ्लॉप से भी फ्लॉप चल रहे हैं, फिर भी जो मन में आता है देश के खिलाफ बोली देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि क्या इस देश का मुसलमान ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा ये कहते हुए कि आपने महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई नहीं की, इन्होंने शिवलिंग का मजाक बनाया था, ये होगा? अगर आप चुनाव करा लीजिए, अभी चुनाव जब नेक्स्ट बंगाल में होना है उस टाइम में आप चुनाव के वक्त में मुद्दा को उठा दीजिए, अच्छा। फिर जनता अपना जवाब दे देगी, तो उस वक्त तक वो वेट करेगा, तीन साल पुरानी बातों को, तीन साल अभी जो फ्यूचर की बात है उठा के आज क्यों आप नफरत फैलाएंगे? आज तो आप नफरत नहीं फैलाएंगे, इलेक्शन के वक्त फैलाना चाहिए, कह सकते हैं आप, तो इस बात को एक्सपोज कर सकते हैं कि हर जिसको जिस बात का जिसको आप तो वोट बोल रहे, वोट तो आज हम नहीं जाने दे रहे, अच्छा ठीक, अभी तेलंगाना में चुनाव होने, मैंने तेलंगाना में चुनाव होने, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं हिंदुओं की भावना को हाथ कर रहे हैं, AIMIM को वोट नहीं पड़ना चाहिए फिर? हाँ वो MIM के नेता से पूछिए, नेता से पूछो, क्यों नेता से पूछूं, आप तो बीजेपी के नेता नहीं है लेकिन बीजेपी पे खुल के बोल रहे हैं, AIMIM पे नहीं बोलना चाहते, रागी की तरह आजादो पब्लिकेशन नहीं है हमारा। तौसीफ खान साहब मुझे एक बात बताइए, तहसीन पुनावाला, नहीं तहसीन पुनावाला, एक मिनट रुकिए।
अब रुके, तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला मुझे ये बताइए, हम नेताओं पर सवाल उठा सकते हैं, इसने कार्रवाई की उसने नहीं की, मुझे एक बात बताइए, और मीडिया को गाली दे दीजिए, मीडिया नफरत फैला देती है, जैसे 90 के पहले या 2000 के पहले जो है हिंदू मुसलमान के दंगे ही नहीं होते थे क्योंकि चैनल नहीं था, ये इसमें मंदिर टूटे नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब मीडिया ने आके करवा दिया और कहा कि अरे ये देखो दोनों दुश्मन, गंगा जमुनी जमुना कौन है पता ही नहीं है, जमुना जो है वो तलवार भांजता रहा, जमुना कत्लेआम करा और फिर भी कहे गंगा जमुनी। तहसीन, अपनी बात रख दूं सर, हाँ तहसीन पूनावाला जी मुझे ये बताइए, क्या अभी इतने दिन अगर एक छोटा सा 10 सेकंड का सवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के तरफ से बोलने वाले से जरा पूछिएगा कि जो इमरान मसूद प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए जो घोषणा करता हो, उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में ला करके उसे नवाजा या नहीं नवाजा, उस आदमी को चुनाव पदाधिकारी बनाया या नहीं बनाया गया, और फिर आप कहते हैं कि साहब हम हेट स्पीच, कौन सा राहुल गांधी तो हेट स्पीच को पूरा, राहुल गांधी परिवार लाल किले से घोषणा करके और उन्हीं के बाद जो है दिल्ली में दंगे हुए, गांधी परिवार ने दंगों में बहुत बड़ा घी का काम किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं भाई, सड़कों पर मुसलमान आ जाए ये आह्वान यदि गांधी वाड्रा परिवार करता है लाल किला से, तो वो क्या दंगाई की तरह नहीं है क्या?